हे गाइस, वेलकम टू द सिने शोज़। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं सिंघम अगेन का। तो सबसे पहले कहानी की बात ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि सारी कहानी तो ट्रेलर में दिखी गई होगी। इट्स अ ब्रेन रॉट क्रिंज एक्शन मास मसाला फिल्म टू वॉच विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। ऐसे ही बकचोदी के लिए तुम्हें अगर जाना है कोई फिल्म देखने के लिए तो गो फॉर इट। 5 मिनट का ट्रेलर है, इसका बिल्कुल मत देखना। पॉजिटिव्स की बात करते हैं तो फर्स्टली मेरे को पॉजिटिव में जो जो लगे मैं बहुत बता ही देता हूँ। फर्स्टली मेरे को इसके जो ड्रोन एंगल शॉट्स हैं, स्टार्टिंग में कश्मीर के कुछ सीन्स दिखाए हैं जहाँ पे एक चेस सीक्वेंस होता है जो कि बहुत ही लॉजिकल है, बट या चेस सीक्वेंस होता है। एंड वहाँ पे जो जूम आउट करके जो ड्रोन शॉट्स दिखाए हैं, जो सीनरीज है, दैट इज लिटरली ब्यूटीफुल। कई सारे ड्रोन शॉट्स दिखेंगे आपको जो कि दिखने में बहुत ही अपीलिंग है, विजुअली अपीलिंग। श्रीलंका में एक दो सीक्वेंसेस है, देन कश्मीर में है, तो वो सब दिखने में अच्छे लगते हैं। एंड एक है तमिलनाडु में, वो पम्बन ब्रिज साइड से ट्रेन जा रही होती है, इधर से गाड़ी जा रही होती है, तो ड्रोन शॉट्स बहुत ही अच्छे लिए हैं, तो मेरे को वो अच्छे लगा। डायरेक्शन इज क्वाइट गुड, बट वो क्लाइमैक्स में एक जगह हूँ मैं नेगेटिव में जोड़ूंगा। चलो पॉजिटिव में मैं बोलूँगा, अर्जुन कपूर का जो दिखाया है एंट्री सीक्वेंस, दैट इज वेरी अपीलिंग, दैट इज अ वेरी कूल हाईलाइट। मैं तो बोलूँगा बेस्ट हाईलाइट इन द फर्स्ट हाफ कि अर्जुन कपूर की एंट्री को सबसे मासी एंट्री दी है, सबसे बढ़िया एंट्री दी है, इवन बेटर देन सिंघम। एंड उसका जो रोल होता है एज डेंजर लंका, तो वो बंदे ने बिना बोले अच्छा किया, बट थोड़ा जब वो बोलता है ना तो उसकी डायलॉग डिलीवरी थोड़ी वो हो जाती है कि वेग हो जाती है, एंड दैट लुक्स रियली बैड। मतलब थोड़ी सी वो फीकी पड़ जाती है, और वो जब मुंह खोलता है ना तो मुंह नहीं खोलना चाहिए। एनिमल में बॉबी डॉल की तरह उसको अगर साइलेंट रखते ना, बस एक डायलॉग बोलता उसके बाद वो भारी पना नहीं। बट दिखने में बहुत ही अच्छा मेकअप वेकअप था, और बहुत ही अच्छा लुक था, बहुत ही अच्छा उसको मिला था स्टार्टिंग, बट एग्जीक्यूशन जितना बेकार था वो हम नहीं कंसीडर करना चाहते हैं। तो देन मैं बोलूँगा कि सिम्बा, सेकेंड हाफ में सिम्बा आता है, रणवीर सिंह, एंड ही इज़ द बेस्ट, ही इज़ द बेस्ट, मतलब इन द फिल्म इवन बेटर देन सिंघम, इवन बेटर देन सूर्यवंशी। मतलब वो सबसे ज़्यादा ओवर शैडो कर देता है सबको बाय हिज ह्यूमर। ह्यूमर हमें फर्स्ट हाफ पे बस एक दो जगह वो सिचुएशनशिप करके कुछ मॉडर्न जेंजी जोक्स मारे हैं, तो वो ठीक लगता है, थोड़ा गीगल होता है। देन सेकेंड हाफ में ह्यूमर एकदम एलिवेट होता है ओनली बिकॉज ऑफ रणवीर सिंह का सिम्बा, ही नेल्ड हिज रोल। मतलब भाई आप बोलने पे मजबूर हो जाओगे, टू गुड, मतलब हंसने लगोगे। वो बंदे की स्क्रीन प्रेजेंस ही बहुत ही स्ट्रांग है, वो बंदा जितना कॉमेडी करता है उसका सिग्मापन भी, मतलब भाई बंदा जैड बंदा है, एंड रियली गुड। मतलब मूवी में सिंघम को ओवरशैडो कर दिया, तो भाई बढ़िया बंदा, बहुत बढ़िया काम किया। देन मैं पॉजिटिव में जोड़ना चाहूँगा कि अक्षय कुमार की एंट्री को बहुत ही बढ़िया सीटी तालियां मिली। बस ये बोलना चाहूँगा कि यार सब कुछ ट्रेलर में दिखा दिया था, तो फिर भाई वो अपील मिस हो जाती है। देन पॉजिटिव में और क्या सोचना पड़ेगा, पॉजिटिव में और कुछ नहीं है। नेगेटिव, सबसे पहला नेगेटिव जो मेरे को बहुत ही गुस्सा आया, व्हाई डिड दे चेंज द ओरिजिनल बीजीएम ऑफ सिंघम बाय सुखविंदर सिंह। मतलब सिंघम और सिंघम रिटर्न्स देखोगे वो भाई वो जो गूज बम्स आते थे, और वो जो महाराष्ट्रन ढोल बजते थे एंड में, भाई डैम गुड। और वो जो ड्रोन शॉट लेते थे जिसमें सारी पुलिस की गाड़ियाँ असेंबल होती है सिंघम की, एकदम वो विलन को पकड़ने जाता है, तो जैसे सिंघम में था, सिंघम अगेन में भी था, भाई वो मिसिंग है। वेयर इज द बीजीएम, इतना बेकार बीजीएम है नया वाला, इट सक्स बीजीएम। बस मेरे को रवि बसरू का वो अर्जुन कपूर के लिए जो रावण का बजता है, दैट वॉज टू गुड, बट बाकी इतना वाहियात, इतना क्रिंज बीजीएम, जी ब्रो नहीं पसंद है, गाने एक भी नहीं है। तो या बस एक्शन एक्शन ब्रेन रॉट। तो देन मेरे को इसके बाद नेगेटिव में मैं जोड़ूंगा कि भाई मूवीज क्रिंज, मतलब एक्शन सीक्वेंसेस लाइक जैकी शेरॉफ को कितना बेकार कर दिया फॉर गॉड सेक, तो वो भी ट्रेलर में दिखा दिया था। भाई जैकी शेरॉफ को वो एक चेस सीक्वेंस देते, वो भी बाइक पर, वो बुढ़ा, वो उसका वो सही में
बुढ़ा का रोल है और वो बंदा ऐसे उछाल रहा है भाई के, अबे उसके घुटने में जोर का दर्द उठ जाएगा भाई, क्या बोल रहे हो। उसका इतने बेकार एक लाइन है, कश्मीर में ये नया कश्मीर है, हम पत्थर नहीं फेंकते, हम पुलिस का सपोर्ट करते हैं, भाई इतना वाहियात, मतलब क्या क्रिंज कर रखा है। देन कैमियो, भाई कैमियो एक तो भाई जो पोस्ट क्रेडिट सीन है वो कैमियो, जो कि स्पॉइल हो ही गया होगा अभी तक तुम्हारे लिए, तो कैमियो इतना वाहियात है, क्यों रखा कैमियो, इससे बड़ा नहीं रखते, कम से कम चेहरा भी नहीं दिखाते भाई, ऐसा लग रहा है भाई बिग बॉस के शूट के बाद वो कैमियो शूट हुआ होगा, मतलब फॉर गॉड सेक इतना है। एक तो मेरे को एक्सपेक्टेशन था नहीं मूवी से, मैं अपनी एक्सपेक्टेशन लो करके गया, तो इतनी भी हयात नहीं लगी जितना मैंने सोचा था। इट वॉज गुड, पर मैं बर्थडे पे गया था दोस्तों के साथ, तो ठीक है हो गया था, मेरे दोस्तों को अच्छी लगी, बट इट्स अ ब्रेन रॉट फेस्ट, मतलब दोनों फिल्में भूलभुलैया 3 और ये वे। देन मैं नेगेटिव में जोड़ना चाहूंगा अर्जुन कपूर का एग्जीक्यूशन, अबे वो बोलना बंदा हमेशा यही स्माइल करता रहेगा और जब बोलता है, और एक तो फोर्स्ड रामायण भाई, रामायण का भाई इतना ठीक है, तुम रामायण को लिंक कर रहे हो भाई, इतना क्या फोर्स करना। दया आता है करीना कपूर को चूड़िया गिफ्ट करता है, ये सिंघम साहब ने दिया, और वो चूड़िया जब अर्जुन कपूर का रैप करता है वो गिरता है, तो भाई इतना फोर्स, बीच बीच में ऐसा लग रहा है कि अयोध्या का कमर्शियल चल रहा है, रामायण का थिएटर एक्ट ऐसा लग रहा है, वो है चल रहा है, हम देखने जा रहे हैं रामायण का थिएटर एक्ट, और बीच में बस ये मूवी के सीन्स डाल दिए गए, ये ऐसी मतलब इतनी फोर्स रामायण डाली है भाई, रामायण में भाई मतलब तोबा, मतलब एक तो लिंक भी कहीं कहीं नहीं हो रही है, अलग सी मूवी आ रही है, एक तो लिंक भी बेकार हुआ है, और इतना फोर्स डाला है रामायण। रवि किशन का कैरेक्टर बोलता है रामायण, तुम्हारी रामायण बहुत अच्छी चल रही है, वो करीना कपूर के कैरेक्टर को मतलब वो गॉड से कितना फोर्स क्यों करना है तुम्हें। एंड भाई कहीं कहीं एग्जीक्यूशन, एक तो वो क्लाइमैक्स में इतना शेकी कैमरा, अर्जुन कपूर का फाइट सीक्वेंस था, और वो भाई तुम उसको सीधा डायरेक्ट गोली से उड़ा सकते हो, तो हाथा पाव क्यों करना है, और उसके बाद मैं तुम्हें खुद मारूंगा ऐसे, इतना ये अर्जुन कपूर ऐसे ही बोलता है, तो ओह गॉड से कुछ भी चल रहा है। सिंघम को अर्जुन कपूर का कैरेक्टर जब पकड़ लेता है तो उसको अगले दिन तक रखता है कि वी हैव कैप्चर्ड सिंघम, भाई फॉर गॉड से क्या कर लिया, कैप्चर करके खत्म करो ना मामला, तुम्हें रामायण से इतना लिंक करना है, कुछ भी चला रखा है भाई। बट ठीक है, कंक्लूजन में बोलूंगा अगर तुम्हें अपने दोस्तों के साथ कुछ फिल्म देखनी है दिवाली पर या फिर अभी भी, तो देख सकते हो, दिमाग बंद करके देखना ठीक ही लगेगी तुम्हें, तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस तुम्हें अगर तुम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो भाई सिंघम की फिल्म है, ओ भाई तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सिंघम की फिल्म है बट कहा दिया है ये मॉडर्नाइज करने के चक्कर में सिंघम को जो पूरा चेंज कर दिया है भाई, सिंघम बस एज अ कैरेक्टर था जो कि एकदम सुपर हीरो था, एवेंजर्स बना दिया है लोगों ने स्त्री की तरह, इतने अपने ही एवेंजर्स एस्टैब्लिश किए, भाई वो वाला डायलॉग कहाँ है, आली रे आली अता तू ही बाली गाली, वो कहाँ है अता माजी सटकली, ये डायलॉग सब कहाँ है, तो मेन डायलॉग्स थे ब्रो, सिंघम इन डायलॉग से जाना जाता है। ये जो कि ट्रेलर, इसका सबसे बड़ा नेगेटिव मैं जोड़ूंगा, ट्रेलर मत देख के जाना, बहुत कुछ स्पॉइल हो जाएगा तुम्हारे लिए, मतलब पूरी मूवी स्पॉइल हो जाएगी, क्या है भाई, ऐसा लग रहा है मूवी था ट्रेलर का एक्सटेंडेड कट, फॉर गॉड्स सेक। भाई मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है ना, ऐसे मेरी एक्सपेक्टेशंस लो थे तो मेरे को तो डिसअपॉइंटमेंट हुआ नहीं, इट्स अ गुड वन टाइम वॉच, या फिर तुम दो बार भी देख सकते हो, दया का कैरेक्टर वॉज मोर अपीलिंग देन सिंघम, सिंघम बस ऐसे बंदों को ऐसे पकड़ के जमीन के नीचे गाड़ के एकदम सुपर हीरो हल्क बना दिया, तौबा। रोहित शेट्टी भाई तुम्हारा डाउनफॉल बहुत बुरा दिख रहा है, एंड मूवी अगर चल भी जाएगी ना तो भाई तुम अपने आप को सही कर लो रोहित शेट्टी, तुम ऐसे नहीं हो, तुमने बोल बच्चन बनाई है, वो भी अच्छी थी भाई, उसमें ह्यूमर तो था, कम से कम उसमें देखने में तो मज़ा आ रहा था, अपीलिंग था, तुमने सिंघम बनाई है 2011 वाली, वैसा डाउन टू अर्थ रखो ना, क्या ये क्यों है ये क्यों। एंड भाई यार मैं और नहीं बोलना चाहूँगा इस पर, फिल्म को बोलने के लिए गालियाँ देने के लिए बहुत कुछ है, पॉजिटिव बहुत कम है, सोच समझ के आना, मैं तो बोल रहा हूँ कि वेट कर लो, ये महीना रुक जाओ, दिसंबर में और अच्छी मूवीज आनी है वो सब देखना, और मूवी देखनी है इस महीने तो देख लो, दोनों में से भूलभुलैया 3 और सिंघम दोनों एक ही जैसी लगी। मैं सिंघम को गाइस दूंगा 3 stars out of 5, 3 star, 1 star मैं दूंगा अर्जुन कपूर के एंट्री के लिए, और 1 star मैं दूंगा सिम्बा की कॉमेडी के लिए, और सूर्यवंशी का जो वो थोड़ा सा अक्षय कुमार का जो ह्यूमर टाइप का रोल था उसके लिए भी 1 star, एंड ओवरऑल दया के लिए 1 star, मैं वो सूर्यवंशी और दया वाला कंबाइन करके 1 star दे रहा हूँ, 3 star है, इससे ज़्यादा डिजर्व नहीं करती है मूवी, और इसे कम ही डिजर्व करती है, फॉर गॉड्स 3 star भी मैंने बहुत ही दे दिया इस मूवी को। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गाइस बाय।
at the way that I move. Swear, disrespectful and I'm rude. Okay. I had cocaine in the school. Went on one hell of a kid. I am smoking gas, jugging mid. I'm lit. What you doing? I done did. I swear. Slick talker since a jit. Finesse. I know that this what they want. Facts. Run up some money.